हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस ओडिया ट्यूटोरियल। आज वीडियो रे आमे वक्रोक्ति संप्रदाय विषय रे आलोचना करिबा। चलंतु आरंभ करिबा। ए वीडियो रे रहिचे वक्रोक्ति शब्दर अर्थ कौन आमे प्रथमे बुझिबा, वक्रोक्तिर परिभाषा कौन, वक्रोक्तिर प्रकारभेद कौन रहिचे, वक्रोक्ति मार्ग कौन, वक्रोक्ति उदाहरण रु बुझिबा, वक्रोक्ति किपरी काव्य रे देखा जाए एवं वक्रोक्तिर आवश्यकता कौन रही ओडिया साहित्य रे ताको मध्य आलोचना करिबा। प्रथमे आमे आलोचना करिबा वक्रोक्ति शब्दर अर्थ कौन। वक्रोक्ति कहिले वक्र युक्त उक्ति समान वक्रोक्ति। विचित्रता बा वक्रता परिलक्षित होउथिबा उक्ति हेउछि वक्रोक्ति। यदि आमे ताकु सहज रे सरल भाषा रे कहिबा ताहेले बुलेइ बंके कथाटी प्रकाश करिवार भंगी ताहा हेउछि वक्रोक्ति। वक्र हूँ कौन बुले कि वक्रता बा विचित्रता। उक्ति हूँ कथा, जितेबले आम गोटे कथा को बुले बंके कि प्रकाश करू से जो प्रकाश करिबार भंगी से हूँ वक्रोक्ति। यह वक्रोक्ति संप्रदाय प्रथम किए आरंभ करते तार प्रवर्तक किए ना वक्रोक्ति संप्रदायर प्रवर्तक होती कुंतक। ये गोटे क्वेश्चन आसब वक्रोक्ति संप्रदायर प्रवर्तक किए, आचार्य कुंतक। आचार्य कुंतक वक्रोक्ति विषय रे मत दे कहिछंती वक्रोक्ति ह काव्य जीवितम। अर्थ कौन आरो ना वक्रोक्ति को काव्यर प्राण भाव रे जीवन हो जी कौन प्राण भाव रे ग्रहण करिछंती। आउ मध्य कुंतक वक्रोक्ति को वर्णना करके उल्लेख करिछंती वक्रोक्ति रेव वैदग्ध भंगी उणी रुच्यते। आर अर्थ कौन जो संस्कृत रे श्लोक कहिछंती तार अर्थ कौन ना वैदग्ध विदग्धता। अन्य अर्थ रे कहले कौन हम ना कवितापूर्ण दक्षता बाताकु आमे चमत्कारितार सूचना बोली मध्य कही पारिबा। एवं जो रही उणी उणी तीर अर्थ हो कथन बा वर्णन। आमे जदि ए श्लोक को वक्रोक्तिरेव वैदग्ध भंगी उणी रुच्यते आर अर्थ को आमे जदि व्याख्या करिबा ताहले अर्थ कौन हेबो ना कवित्वपूर्ण दक्षता द्वारा परिकल्पित चमत्कारपूर्ण वचन विन्यास रीति को वक्रोक्ति बोला जाए। विभिन्न आलोचना शास्त्र रे वक्रोक्ति को कवि कौशल और कवि व्यापार भाव रे मध्य नामित करा जाए छे। गोटे हूँ कवि कौशल बोली कहा जाए छे, कवि कौशल बोली कहा जाए छे आउ कवि व्यापार भाव मध्य नामित करा जाए छे। काव्यगत शब्द और अर्थ विन्यास रे अलौकिकता हेउछि वक्रोक्ति। हेउछि कौन वक्रोक्तिर परिभाषा आमे आलोचना करूछे। आमे जदि आहुरी सहज रे बुझिबा जेतबेले वक्तार कथा सब कथार जने वक्ता थाए श्रोता थाए जेतबेले आमे गोटे कथा आमे मु होछि वक्ता आपण माने बे श्रोता जेतबेले वक्ता गोटे कथा कहे श्रोता ताकु अन्य अर्थ रे बुझे ताहा हेउछि वक्रोक्ति। तापरे आमे आलोचना करिबा वक्रोक्तिर प्रकार भेद कौन कौन रहिछि। वक्रोक्तिर संज्ञा सॉरी वक्रोक्तिर अर्थ जानिले वक्रोक्तिर परिभाषा जानिले एबे जानिबा वक्रोक्तिर प्रकार भेद कौन रहिछि।
ना आचार्य रुद्रटंक मतरे याउ जने आचार्य आसिले आचार्य रुद्रट से वक्रोक्ति को दुई भागरे विभक्त करिछंती गोटी हेउची श्लेष वक्रोक्ति आ गोटी हेउची काकु वक्रोक्ति एबे आमे जानिबा श्लेष वक्रोक्ति कोन काकु वक्रोक्ति कहले कोन बुझो ना श्लेष वक्रोक्ति हेउची एकार्थरे प्रयुक्त शब्द को भिन्न अर्थरे ग्रहण कराहेले श्लेष वक्रोक्ति हुए ना एकार्थरे प्रयुक्त शब्द जेतबेले भिन्न अर्थरे ग्रहण करा जाए सेतबेले कौन हो जाए सेतबेले श्लेष वक्रोक्ति हो जाए। उदाहरण आमे देखिबा कहे एक नारी विशेष सुनारी एदेशरे बास करिछि भृंग किंग पुरुष चंचल मानस एथि तही पुणी जाउछि ये आसीछि लावण्यवती काव्य आर अर्थ कौन ना साधारण अर्थ आमे जदि बुझिबा ताहले जणे सहजरी कहुछि ए स्थानरे बहु संख्यारे सुनारी गच्छ रहिछि तेणु भर सेठाकु आसिबा पई चंचलता चंचल मानस चंचलता बा व्याकुलता प्रकाश करुछि एहा हेउछि तार साधारण अर्थ यदि आमे तार श्लेषार्थ देखिबा ताहाले श्लेषार्थ कौन ना ए जो पदर श्लेषार्थ हेउछि एही देशरे जणे विशिष्ट सुनारी विशेष सुनारी देछि सुनारी हेउछि उत्तम नारी ए देशरे जणे उत्तम नारी निवास करिछि तेणु भृंग किंग पुरुष अर्थात भृंग किंग पुरुष होछि लंपट ता पाखकु जिबा पई चंचलता प्रकाश करुछि यहा होछि तार श्लेषार्थ बुझिला श्लेष वक्रोक्ति कहिले कोन एबे आमे आलोचना करिबा काकु वक्रोक्ति कहिले कोन काकु वक्रोक्ति कोन ना एही वक्रोक्ति रे वक्तार कंठस्वर जोगु श्रोता उच्चारित वाक्यर अन्य अर्थ ग्रहण करे माने गोटिए कथा कहुथियो वक्ता तार कंठस्वर रु श्रोता तार उच्चारित वाक्य अन्य अर्थ रे ग्रहण करे से गोटिए कथा वक्ता कहुथिबो किंतु तार कंठस्वर जदि सेतिकी दीर्घ थिबो तो वाक्यर उच्चारण कहबो ना श्रोता तार अर्थ अन्य उपाय रे बुझिबो ताहा हेउछि काकु वक्रोक्ति। उदाहरण देछि नाही ए भारते विद्यार विलास नाही ए भारते शौर्यर प्रकाश एहा हेउछि गोटिए निषेधार्थक वाक्य किंतु एहाकु आमे जदि प्रश्नवाचक करि पढ़िबा नाही ए भारते विद्यार विलास नाही ए भारते शौर्यर प्रकाश यदि आम प्रश्नवाची करी पढ़ा ताहले निषेधार्थ परिवर्ते निश्चयार्थ उत्पन्न हो अर्थात कौन नाही ए भारते विद्यार विलास नाही ए भारते शौर्यर प्रकाश अर्थ भारत रे विद्यार विलास और शौर्यर प्रकाश अछि एहा होछि काकु वक्रोक्ति। तापर आम आलोचना करिबा वक्रोक्तिर मार्ग कौन रही वक्रोक्तिर मार्ग बा वक्रोक्तिर विभागीकरण बोली कुंतक कहिछंती कौन आलोचना करिबा ना जे कोनोसी रचना रे प्रथमे वर्ण विन्यास द्वारा शब्द सृष्टि हुए आमे जानिछे प्रथमे वर्ण विन्यास द्वारा कौन हुए शब्द सृष्टि हुए से शब्दरे जेतबेले प्रत्यय ओ विभक्तिर संयोगरे पदर सृष्टि पदर पुणी कौन रहिछि ना दुईटी अंश रहिछि गोटी हेउछि पूर्वाध पूर्वाधटी हेउछि प्रकृति आ गोटे हेउछि परार्ध परार्ध हेउछि प्रत्यय तथा विभक्ति कु नै गठित ए हेउछि पदर दुईटी अंश एहिपरि जेतबेले
एकाधिक पद मानंकर समाहार हुए सेतबेले वाक्य हुए एवं वाक्यावली समाहार रे प्रकरण रो सृष्टि एवं जेतबेले बहु प्रकरण रो संयोग रे प्रबंधर कळेबर गठित वा प्रबंध गठित कुंतक कौन करिछंती ना वर्ण विन्यास ठारु आरंभ करिकि प्रबंध पर्यंत सब क्षेत्र रे वक्रोक्ति वैचित्र विश्लेषण करिछंती। से सब कौन वक्रोक्तिर मार्ग बा वक्रोक्तिर विभागीकरण छ भाग रे विभागीकरण करिछंती। प्रथम होउछि वर्ण विन्यास वक्रता, द्वितीय होउछि पद पूर्वाध वक्रता, तृतीय रे पद परार्ध वक्रता, चतुर्थ रे वाक्य वक्रता, पंचम रे प्रकरण वक्रता, षष्ठ रे प्रबंध वक्रता। प्रथम आम आलोचना करिबा वर्ण विन्यास वक्रता कहिले कौन। वर्ण विन्यास वक्रता कौन ना अक्षर विन्यास रे एभली वक्रतार सृष्टि बा एभली वक्रता परिदृष्ट हुए। अनुप्रास जो जमकर अलंकार जो परिकल्पना मध्य रे जो सब चमत्कारिता सृष्टि हुए बा निर्धारण करा जाए से होउछि वर्ण विन्यास वक्रता। तापर रहिछि पद पूर्वार्ध वक्रता। पद पूर्वरु तोले बा रूढ़ी विश्लेषण वृत्ति वृत्ति कौन ना समास ओ तद्धित प्रत्यय, भाव भाव बा धातु, लिंग प्रत्यय और क्रिया मानंकर प्रयोगर कुशलतार अंतर्भुक्त होउछि पद पूर्वार्ध वक्रता। सेहिपरि पद परार्ध वक्रता कौन ना काल कारक संख्या उपग्रह उपग्रह होउछि कर्तु कर्म और भाववाच्य अव्यय आदिर विशेष प्रयोग द्वारा सॉरी जेऊ साहित्यिक चमत्कारिता सृष्टि हुए ताहा होउछि पद परार्ध वक्रता। तापर आम आलोचना करिबा वाक्य वक्रता कहिले कौन। जेतेबेले गोटे सुपरिकल्पित वाक्यर मधुर भावना को बहु भाव रे बा अनेक वाक्य मध्य रे प्रकाश करा जाय पारे ताहा हेउछि वाक्य वक्रता। सरल भाषा रे लेखा आइछि जहाँ फल रे कि आपण मानको बुझिबा को इजी हेबो। तापर आम आलोचना करिबा प्रकरण वक्रता कहिले कौन। प्रकरण वक्रता होउछि प्रबंधर कळेबर को समृद्ध और संपूर्ण करिबारे प्रकरण मानंकर कौन भूमिका गुरुत्वपूर्ण। आम एना आलोचना कले टिके पूर्वरु बहु प्रकरण संयोग रे प्रबंधर कळेबर गठित। प्रकरण किपरि गठित ना वाक्यवळीर समाहार रे प्रकरण गठित। यदि प्रबंधर कौनसी एक निर्दिष्ट वर्ण्य विषय को प्रकरण कहा जाए यही प्रकरण परिकल्पनागत वैशिष्ट्य और सृष्टि सौंदर्य होउछि प्रकरण वक्रतार विचार सापेक्ष बा विचार सापेक्ष बोली कहा जाए। तापर रहिछि आमर प्रबंध वक्रता। प्रबंध वक्रता कहिले कौन ना जे कोनोसी स्वयं संपूर्ण गोटे ग्रंथ को आमे प्रबंध बोली कही था। प्रबंधर सामग्रिक सौंदर्य कवि सृष्टिर सार्थकता वक्रतार सुनिगुण योजना उपरे प्रतिष्ठित। यह प्रबंध वक्रता होउछि वक्रोक्ति विचार परंपरा रे प्रबंध वक्रता को अंगी भाव रे धरा जाइछि एवं अन्यान जो वक्रता को अंग भाव रे विवेचना करा जाइछि। प्रबंध वक्रता होउछि अंगी एवं अन्य सब जो वक्रता रहिले ताहा को अंग भाव रे विवेचना करा जाइछि। एटी गोटे उदाहरण अछि वक्रोक्तिर उदाहरण
ताको आम आलोचना करिबा। उदाहरण रही प्रणय वल्लरी काव्यर के दृश्य एटा ना कन्नु महर्षि जो पावन तपभूमि एक उत्तरित शांत परिवेश रे जेतबले अपरिचित दुष्मत और शकुंतला तांकर जो परस्पर प्रति आकृष्ट हो पड़ी सेतबले ए जो परिस्थिति रे शकुंतलांकर सखी होची प्रियंवदा से पचारी कौन पचारी ना धीरमणि केऊ वंश भूषा केऊ राज्य करी असुंदर एड़े अनुग्रहे कले सुशोभित एवने अर्पी पयर। आमे साधारण तो केमिति प्रश्न करू आपण केउठारु आसी एमिति कहे कि सीधा सळक भावरे आमे प्रश्न पचारि था किंतु प्रियंबदा सीधा सळक प्रश्न को न पचारि केमिति प्रश्न करिछे ना निजर अनुपस्थिति द्वारा केउ राज्य को असुंदर करी अनुग्रह पूर्वक आपण ए बनरे पदार्पण करी एहाकु सुशोभित करिचंती कहिबा हेबे कि सीधा सळक पचारिनी आपण केउठारु आसीछंती किंतु एहाकु बुलेकि से पचारिछि ए जो वचनर प्रकाशर भंगी बा ए जो चमत्कारिता ए जो विचित्रता परिलक्षित हेउछि एहा ही हेउछि वक्रोक्ति वक्रोक्तिर आवश्यकता कौन इटा गोटे कथा कही रखुचे आचार्य मम्मट वक्रोक्ति को शब्द अलंकार बोली कही छंती माने वक्रोक्ति संप्रदाय वक्रोक्ति अलंकार मध्य कहा जाए था आचार्य मम्मट यहाँ शब्द अलंकार बोली कही छंती वक्रोक्तिर आवश्यकता कौन कुंतक आहरी मध्य दर्शाई जे समस्त अलंकार जननी हेउछि ही वक्रोक्ति से कौन कही मतरे ना कोलंकारे नया बिना यह कौन ना यह हूँ कवि कौशल प्रयुक्त विचित्रता परोक्षरे कहिले से काव्यरे विषय परिवर्ते रसर महत्व को मध्य कौन कर स्वीकार करपरी भाव काव्यरे विषय वस्तु रही भाव में काव्यरे रस रही जो रस रसर महत्व को मध्य से स्वीकार कुंतक कही निरंतर रसोद्धार गर्भ संदर्भ निर्भराहा गिरह कविना जीवंती न कथामात्र शास्त्रीता द्वारा जना जाऊछि जे कुंतक काव्य रे विषय परिवर्ते रसर महत्व को किपरि भावरे स्वीकार करिछन्ति काव्योक्ति रे वक्रता रहिले बा आमे जो काव्य रे जदि वक्रता रहुछि ता द्वारा कौन हो प्रत्येक वक्रोक्ति काव्य पद्यवाच्य हो तेणु आम ये देखा जे बामें आलोचन जान ले काव्यर आत्मा केवे वक्रोक्ति हो न पारे भिडियोटी भल लगे लाइक करूँ फ्रेंड मानक सह शेयर करंतु सब्सक्राइब करंतु जहाँ फल कि न्यू वीडियो रो नोटिफिकेशन पाई परिबे वीडियो टी केमिति लागिला कमेंट द्वारा बतांतु थैंक यू।